दिल्ली के डाबरी इलाके के एक सरकारी स्कूल विच कथित तौर पर मिड डे मील खाने तो बाद दर्जना विद्यार्थियों की सेहत बिगड़ गई, जिस तो बाद 6वीं तो 8वीं जमात के करीब 70 विद्यार्थियों नूं तुरंत हस्पताल भर्ती करवाया गया। घटना शुक्रवार की है। जिस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दक्षिणी पछमी मनोज सिंह ने दसा कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे उन्होंने शिकायत मिली सी, जिस तो बाद उन्होंने मौके पर पहुंच के जांच शुरू की। दसा जा रहा है कि विद्यार्थियों नूं मिड डे मील तो बाद सोया जूस दिता गया सी, जिस नाल बच्चों के पेट विच दर्द अते उल्टियां होण लगियां। अधिकारियों ने दसा कि क्राइम टीम नूं मौके पर बुलाया गया ते भोजन ते जूस के बचे हुए हिस्से नूं जब्त कर लिया गया। सारे बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। घटना तो बाद दिल्ली सरकार ने मिड डे मील प्रोवाइडर नूं कारण दसो नोटिस जारी किया है। उथे मिड डे मील प्रोवाइडर नूं चेतावनी दी गई है कि स्कूली बच्चों नूं सही भोजन मुहैया करवाना यकीनी बनाउण। इस दे नाल ही अधिकारी ने कहा है कि इस घटना दे विच जो भी दोषी पाया गया उस नूं बख्शिया नहीं जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं कि बच्चों की हालत ठीक है, कुछ ठीक नहीं है बच्चों की हालत। अगर आपको अंदर जाना दे सकते हैं तो अंदर आके जाके देखो बच्चों की हालत क्या खराब है। और कई पेरेंट्स ऐसे ही बैठे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है और कौन से हॉस्पिटल में है, किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। लगभग कितने बच्चे होंगे? लगभग 100 से ऊपर ही बच्चे हैं इस हॉस्पिटल में, जो है 100 से ऊपर ही बच्चे हैं। ABP सांचा, जोश, जज्बा, जुनून।